हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि बिहार के नदियों के ऊपर प्रश्न है, और खासकर ये वीडियो दोस्तों बिहार से संबंधित है, यानी कि जो आने वाले परीक्षा है बीपीएससी हो या बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए या जो है बिहार के पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा से संबंधित हो या अन्य कोई भी परीक्षा, सभी परीक्षाओं में ये समान रूप से काम करेगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर जो है पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न को यहाँ शामिल किया गया है, जो कि आने वाले आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी की परीक्षा हो या अन्य कोई भी बिहार से संबंधित परीक्षा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप उत्तर बिहार की नदियों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि बिहार में आकर मिल जाती हैं या बहती हैं, उनसे संबंधित नॉलेज अगर की जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि गंगा नदी किस स्थान से निकलती है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, सभी लोग जानते भी होंगे। तो ये गंगोत्री हिमनल से निकलती है, ठीक है। प्रश्न नंबर दो है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर लंबा है ये गंगा नदी, जो कि हिमालय के जो है समानांतर बहती है ये, ठीक है। हिमालय से दक्षिण में समानांतर बहती है। अब देखिए, प्रश्न नंबर तीन है कि गंगा नदी की जो लंबाई है कितनी है बिहार में। तो 425 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई जो है बिहार में है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से बिहार में जो है 425 किलोमीटर की लंबाई रखती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर चार है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये चौसा है, चौसा का मैदान जिसको कहते हैं, जहाँ चौसा का लड़ाई हुआ था, और यही स्थान है जो कि बक्सर में है, बक्सर जिला में है बिहार के। तो यहाँ जो है गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार के मैदान में, ठीक है, गंगा नदी। अब देखिए, प्रश्न नंबर पाँच है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी निम्नलिखित नदियों में से जो है कौन जो है छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलता है। तो देखिए, फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है, ठीक है। हालांकि ये जो है झारखंड राज्य में है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो है फल्गु नदी वाला। अब आइए देखिए, प्रश्न नंबर छः है कि बिहार में गंगा नदी की सहायक नदी जो कि उत्तर से मिलती है का नाम क्या है। तो हालांकि बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं उत्तर से, ठीक है। तो जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कोसी नदी है, इसके अलावा भी और भी नदियां हैं। जैसे तो जो है कोसी की नदी के अलावा कमला है, बलान नदी है, ठीक है, महानंदा है, उसके बाद गंडक, सरयू नदी है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, और घाघरा आदि जो है महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि उत्तर से मिलती हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो घाघरा नदी बिहार के किस नदी में मिलती है। एक्चुअली प्रश्न इस तरह नहीं है। तो दोस्तों, घाघरा नदी जो है, प्रश्न इस तरह से है कि घाघरा नदी बिहार में जो गंगा नदी में है कहाँ मिलती है। तो देखिए, ये घाघरा नदी जो है बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गंगा नदी में मिलती है। अब भाई प्रश्न नंबर आठ पे चलते हैं। तो उत्तर बिहार की सबसे पश्चिम यानी सबसे पश्चिम दिशा में और सबसे पूर्व यानी सबसे पूर्व दिशा में नदी जो बहती है उसका नाम क्या है। तो उत्तर है दोस्तों घाघरा। घाघरा नदी जो है बिहार के सबसे पश्चिमी नदी है उत्तर बिहार की, ठीक है। और महानंदा नदी जो है बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। हालांकि घाघरा महानंदा के बीच में और भी कई नदियां हैं, कोसी है, ठीक है, और कोसी के अलावा भी अन्य नदियाँ जैसे कि कमला बलान है, ठीक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती आदि नदी है, सरयू नदी है, ठीक है। तो ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर नौ है कि दक्षिण बिहार के सबसे पश्चिमी, ठीक है, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी नदी का नाम क्या है।
तो दोस्तों सबसे पश्चिमी नदी का नाम है सोन नदी, ठीक है, बिहार की, बिहार दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी सोन नदी है, और सबसे पूर्वी नदी जो है वो चंदन नदी है, ठीक है। अब हालांकि इन दो नदियों के बीच में भी जो है बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि फल्गु है प्रमुख नदी में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में गंगंडक नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो वह स्थान कौन सा है जहाँ गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो वाल्मीकि नगर है जी, ये वाल्मीकि नगर में जो है जो कि उत्तर बिहार का ये स्थान है वाल्मीकि नगर। देखिए तो पश्चिमी चंपारण का ये स्थान है वाल्मीकि नगर जहाँ गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, सोन नदी का उद्गम स्थान है, तो ये देखिए अमरकंटक जो है सोन नदी के का जो है उद्गम स्थान है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो देखिए ये चुरहा, ठीक है, चुरहा पहाड़ी है झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जहाँ पुनपुन नदी जहाँ से जो है निकलती है, उद्गम स्थल है झारखंड का चुरहा पहाड़ी। अब प्रश्न नंबर 13 पे है कि देखिए कर्मनाशा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बक्सर जिला है और स्थान है चौसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर्मनाशा नदी जो है, इसके पीछे जो धार्मिक कहानी कहानियाँ भी है कर्मनाशा नदी के, यानी कि ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 की ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो देखिए ये नवादा जिला में स्थित है, दक्षिण ककोलत जलप्रपात जो है दक्षिण बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है, और इसकी जो है ऊंचाई 47 मीटर है दोस्तों। जो समर वेकेशन के टाइम यानी गर्मियों के समय में जो है ककोलत जलप्रपात में बहुत से पर्यटक आते हैं, खासकर बिहार और बिहार के बाहर के पर्यटक भी जाते हैं, ठीक है। तो वही नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों कि कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसा है, तो देखिए ये कोसी नदी का अपवाह प्रणाली जो है आयताकार अपवाह प्रणाली है, ठीक है। प्रश्न नंबर कोसी नदी से ही है कि जो कि 16 है, 16 नंबर प्रश्न है कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, देखिए ये कोसी नदी जो है खगड़िया के निकट जो है गंगा नदी में मिलती है कोसी नदी। अब दोस्तों कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 17 है कि वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, ठीक है, कौन सा है, तो देखिए ये कोसी नदी है, और ये प्रश्न जो है बिहार यानी बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है कि कुख्यात नदी कौन सा है, तो कोसी है। प्रश्न नंबर 18 है कि गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो दोस्तों आंसर है पटना के निकट जो है गंडक नदी बिहार में जो है गंगा में मिलती है। और प्रश्न नंबर 19 है कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो देखिए ये पुनपुन नदी जो है फतुआ में मिलती है, और एक तरह से पटना शहर का जो है दक्षिणी सीमा के रूप में भी पुनपुन नदी को जाना जाता है, ठीक है। तो ये है, और मतलब प्रश्न नंबर आइए 20 नंबर पर चलते हैं। तो 20 नंबर है कि सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो देखिए ये सोन नदी छपरा के निकट मिलती है दोस्तों, ये छपरा जो है कि गंगा नदी के जो है उत्तर में है स्थित। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि एकमात्र नदी, ठीक है, एकमात्र नदी जिनका उद्गम स्थान जमुई जमुई में है, तो उत्तर है दोस्तों अजय, अजय नदी जो है जिसका उद्गम स्थान जो है जमुई जिला है बिहार का, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 22 है कि बूढ़ी गंडक बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बूढ़ी गंडक के बारे में, और ये उत्तर है मुंगेर के उत्तर में जो है, यानी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है उसके उत्तर में जो है गंगा में मिलती है बूढ़ी गंडक। प्रश्न नंबर 23 है कि बिहार बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी किनारे बसा है, तो मुजफ्फरपुर शहर जो है बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 24 है कि बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है, तो ये घाघरा नदी के तट पर है बिहार का छपरा शहर। प्रश्न नंबर 25 है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम क्या है, तो उत्तर है बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक ही जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। प्रश्न नंबर 26 है कि बागमती नदी
ठीक है, बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? और उत्तर है मुंगेर के उत्तर में। तो मुंगेर के उत्तर में जो है बागमती नदी गंगा में मिलती है। और प्रश्न नंबर 27 है कि बिहार की शोक नदी कौन सी है? तो उसी को ही बिहार की शोक नदी कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 है कि बिहार की सदानीरा नदी किसे कहा जाता है? तो गंडक नदी को जो है बिहार की सदानीरा नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है कि नदी जो सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है का नाम क्या है? तो ये बूढ़ी गंडक नदी है जो कि सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है। और भी नदियां हैं जो विसर्पाकार बनाती है, लेकिन सबसे अधिक जो है बूढ़ी गंडक नदी ही बनाती है। प्रश्न नंबर 30 है कि पटना के पूर्वी ताल क्षेत्र जो है, यानी जिसको ताल क्षेत्र भी बोलते हैं, जो कि मोकामा का एरिया है खासकर, में सर्वाधिक जल जो है किस नदी का है? तो देखिए फल्गु नदी का जो है ये फैल जाता है मोकामा के ताल क्षेत्र में। दोस्तों ये थे 30 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। और नॉट फॉरगेट लाइक और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।